शिक्षा में भी मिलावट, फर्जी कोचिंग खोलकर छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा था खिलवाड़। मामला है ग्वालियर का, जहां कौटिल्य एकेडमी के नाम से फर्जी कोचिंग का किया जा रहा था संचालन। असली कौटिल्य एकेडमी का नाम उपयोग कर छात्रों को किया जा रहा था गुमराह। लेकिन तरुण शर्मा द्वारा ये हरकत जब असली कौटिल्य एकेडमी को जानकारी में आई तो उन्होंने कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करवाई। आज ग्वालियर में फर्जी कौटिल्य एकेडमी जो तरुण शर्मा द्वारा संचालित की जा रही थी, उसके तीन ठिकानों पर कॉपीराइट कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर नीरव करकरे द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में जितनी भी जगह पर कौटिल्य एकेडमी लिखे हुए लोगो, बोर्ड, होर्डिंग थे, उन सभी को जब्त किया गया। ये सभी चीज़ें आगे कोर्ट में पेश की जाएंगी। उसके बाद देखना होगा कि फर्जी नाम से कोचिंग का संचालन कर रहे तरुण शर्मा पर क्या जुर्माना लगता है। आपको बता दें कि तरुण शर्मा ने कौटिल्य एकेडमी की फ्रेंचाइजी कई सालों से ले रखी थी, लेकिन पिछले साल मई में ये फ्रेंचाइजी खत्म हो गई थी। उसके बाद कौटिल्य एकेडमी ने अपनी फ्रेंचाइजी ग्वालियर में किसी और को दी हुई थी, लेकिन तरुण शर्मा भी फर्जी तरीके से कौटिल्य एकेडमी का नाम उपयोग कर रहा है। ये कार्रवाई दिल्ली कोर्ट के थ्रू ट्रेडमार्क एक्ट के तहत हो रही है। हमारे क्लाइंट ने इन पे आरोप लगाया है कि कौटिल्य एकेडमी नाम उनका है और ये उसको चला रहे हैं गलत तरीके से, तो उस नाम के लिए कार्रवाई हुई है कि लोकल कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं दिल्ली से और उनके कार्रवाई के हिसाब से इनका जितना बैनर पोस्टर है जहाँ भी कौटिल्य एकेडमी लिखा हुआ है वो सब सर्च और सीज हो जाएगा और अभी इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये मेन कौटिल्य एकेडमी के मालिक ये पहले उनके फ्रेंचाइजी रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट अब कैंसिल हो चुका है, फिर भी ये नाम ये चला रहे हैं, तो ये कार्रवाई उन्होंने करवाई। कब से चला रहे थे नाम? ये शायद इनकी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट काफ़ी दिनों तक साथ रहा है, पर अब पिछले मई में खत्म हो गया है। कार्रवाई एक इनके लिछमाईबाई नगर में हुई है, एक इस ऑफिस में और एक थाटीपुर में इनका कोई ऑफिस सेंटर है, वहाँ तीन जगह कार्रवाई चल रही है। तीनों जगह अलग अलग कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और हमने थाने में भी खबर कर दी है, थाने से ये हैं और इनके सामने ही सारी कार्रवाई होगी। एक ही नाम से संचालित अलग अलग कौटिल्य एकेडमी को लेकर छात्र भ्रम की स्थिति में थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कौटिल्य असली है और कौन सी नकली। अब इस कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि छात्रों को राहत मिलेगी।